सात मुमालिक ने मोदी साहब को बुला के उनको हाईएस्ट अवार्ड दिया। आपका दुश्मन आपको कैलकुलेट कर चुका है, आज का नहीं बड़े अरसे से, तभी आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। वो जो मर्जी है करते हैं, और ये जो कर रहे हैं नया सरप्राइज आपको जल्दी देंगे। आपकी फॉरेन पॉलिसी तो है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है। आपको फॉरेन पॉलिसी आप देखें, आप कंपेयर करें अपने फॉरेन मिनिस्टर को दूसरे मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर से, कितने दौरे उनके कश्मीर के सपोर्ट के लिए। आपको इस्लामिक कंट्रीज ने रिजेक्ट किया, आपके आपको कश्मीर पे सऊदी अरेबिया ने सपोर्ट नहीं दी आपके। मैं आपको एक फिक्र और दूं, एक फिक्र मैं और देता हूं। इस वक्त हमारे ऊपर 116 बिलियन डॉलर का कर्जा हो गया, ये 113 बिलियन डॉलर का। आपको पता है पीएयू का कितना असर है? 460 अरब रुपया। किसी ने पूछा इस हुकूमत की कारनामी क्या है, कहता है अड्डे 210 रुपए दर्जन। इमरान खान ने किया है, वो खुदा के लिए छोड़ दे, महाराज छोड़ दे हमें। वो खुश है, वो कह रहे हैं वो भी महंगी दालें, वो भी महंगी आटा, वो भी महंगा घी, वो भी महंगा। लेकिन इन्होंने तो इतने ख्वाब दिखाए थे, तो ये तो कह रहे थे कि हम आईएमएफ के मुंह पे कर्ज पैसे भी मार देंगे, तब्दीली लेके आएंगे, नौकरियां भी देंगे, घर भी देंगे। को तब्दीली आई है, कोई अस्पताल बने, आपने सबसे पहले घबराना। और मैं अगले दिन एक व्लॉग देख रहा था जिसमें अमित शाह की एक टेप उन्होंने लगाई, जिसमें उन्होंने इंडियन पाकिस्तान के बारे में जान देने के बारे में बात की। तो मेरे ख्याल में मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा, मैं ब्लेम अपने घर को करूंगा कि जो इस काबिल नहीं है कि जो अपने अपने अपना डिफेंस कर सकें या लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। ये मैं अफसोस अपने अंदर है। हमारी फॉरेन पॉलिसी मैंने आपको बता दी है, हमारी फॉरेन पॉलिसी करप्शन है। हमारे पाकिस्तान की हर पॉलिसी के पीछे एस्टेब्लिशमेंट का वो डिसीजन होता है जहां उनका अपना इंटरेस्ट हो। आपकी फॉरेन पॉलिसी तो है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है। आपको फॉरेन पॉलिसी आप देखें, आप कंपेयर करें अपने फॉरेन मिनिस्टर को दूसरे मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर से, कितने दौरे उनके कश्मीर के सपोर्ट के लिए। आपको इस्लामिक कंट्रीज ने रिजेक्ट किया, आपके आपको कश्मीर पे सऊदी अरेबिया ने सपोर्ट नहीं दी। आपके सात मुमालिक ने मोदी साहब को बुला के उनको हाईएस्ट अवार्ड दिया, जबकि अमेरिका ने उनके ऊपर हमेशा वीजे की पाबंदी रखी। उस पर आपने कितना एहतजाज किया, आपने जब मैं अफसोस के साथ कहूंगा ओआईसी का इजलास बुलाने के लिए आपने कहा कश्मीर के बारे में सऊदी अरेबिया ने रिफ्यूज किया, उसके बावजूद खान साहब मलेशिया में नहीं गए अपनी कॉन्फ्रेंस में। ये आपकी फॉरेन पॉलिसी, आपके रिलेशनशिप है। तो इसी वजह से आपका दुश्मन आपको कैलकुलेट कर चुका है, आज का नहीं बड़े अरसे से, तभी आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। वो जो मर्जी है करते हैं, और ये जो कर रहे हैं नया सरप्राइज आपको जल्दी देंगे। आपकी एस्टेब्लिशमेंट आपको पढ़ाना नहीं चाहती आपके बच्चों को। आपके अभी आधे कंट्री के अंदर फ्यूडल लॉस, फ्यूडल सिस्टम है, वो आपके बच्चों को आगे पढ़ना पढ़ने देना चाहते हैं, वो तरक्की की तरफ भी खुद वो लंदन जाते हैं, लंदन से पढ़ के आते हैं। गरीब का बच्चा जो उसको वो गरीब से गरीब तरफ रखना चाहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट अपने बच्चे लंदन और भेजना चाहती है अमेरिका, आपको कहती है कि हमारी दोस्ती हमालिया से भी बुलंद है। अपने बच्चों को बीजिंग क्यों नहीं भेजते, अपने करप्शन का पैसा बीजिंग क्यों नहीं रखते। ये चाइना का मॉडल तो सीखते हैं। खान साहब ने कहा कि मैं टीम भेजूंगा शुरू में, कि मैं चाइना से सीखूंगा। खान साहब ने वहां से ये क्यों नहीं सीखा कि वो जो करप्शन पे लोगों को पकड़ते हैं उनको गोली मार देते हैं, एनआरओ नहीं देते। इस सदी में भी इतना कुछ करने के बावजूद मैं ब्लेम करूंगा कि ये हमारे फॉरेन पॉलिसी और फेडअप के ऊपर आज जो कुछ हुआ है, आपकी फॉरेन पॉलिसी को फुकदान है। कश्मीर पॉलिसी में आपकी फॉरेन पॉलिसी का फ्लेवर है। आपके फलस्तीन, आप फलस्तीन पे जोर था आपका, कश्मीर को आप निग्लेक्ट कर चुके हैं। और इसमें चीमा साहब सिर्फ आपकी फॉरेन पॉलिसी, आपकी फॉरेन सर्विस, आपकी गवर्नमेंट नहीं है, मैं ब्लेम करूंगा आपके मीडिया ने भी कश्मीर को बुला दिया है। आज कोई भी एंकर कश्मीर का नाम लेकर राजी नहीं है, कोई प्रोग्राम करके राजी नहीं है उस पर। अफसोस, जितना अफसोस किया जाए वो कम है। आपके अंदर सिर्फ आपका इंटरेस्ट ये हो कि डाके मार के किस तरह भागना है लंदन और दुबई में, तो फिर आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी? वही होगी जो आपकी आज है। आपका पड़ोसी मुल्क आपको कैलकुलेट कर चुका है बड़े अच्छे तरीके से, बार बार करता है, बार बार स्टेटमेंट देता है, बार बार सिग्नल देता है, लेकिन आपकी तवज्जो अभी तक भी दुबई और लंदन की प्रॉपर्टी पर है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। आप खुद देख लें, अगर या मेरे साथ अगर आप इफ यू डोंट अग्री विद मी, आर्गू विद मी, कन्विंस मी ऑन इट, उसकी मैं यहां पे आज क्यों बैठा हूं। मैंने कई दफा कहा आई एम रिजेक्ट फ्रॉम पाकिस्तान, मेरी मदरलैंड ने मुझे रिजेक्ट करके यहां भेजा है। मैं यहां पे आके इस कंट्री के लिए काम कर रहा हूं 36 साल से, 18-18 घंटे काम करता हूं यहां पे। मुझे मैं हम लोग वापस क्यों नहीं जाते, मुहाजरीन क्यों किया गया? उसकी 25 अरब रुपए का हमजा, आज की मैं अखबार पढ़, आज का मैंने न्यूज टीवी खोल के देखा है,
कि हमजा शबाज शरीफ ने कहा कि 25 अरब रुपया अकाउंट में मेरे ख्याल में, मुझे पता ही नहीं कौन जमा करा गया। कादी साहब, इमरान खान साहब से हमें बहुत ज्यादा तवक्को थी, वो क्रॉसिंग बोर्ड इंतजाम करेंगे। बिजली की मद में आप 40 अरब रुपया कौम पे डाल रहे हैं, ये सारे आपके मेरे अवाम की जेब में डाके पड़े हैं, जो इन्होंने मौके पर बर वक्त आलम जी का फैसला नहीं किया, ये सारे पैसे तो अवाम दे रहे हैं। आपको एक फिक्र और दूं, एक फिक्र मैं और देता हूं। इस वक्त हमारे ऊपर 116 बिलियन डॉलर का कर्जा हो गया, ये 113 बिलियन डॉलर का लगभग। सिर्फ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है 10 साल की कि बिजली के जो हमने मुआहदे किए थे, इसमें से जो हमें झटका लगा 10 सालों में, वो 45 बिलियन डॉलर का था। और अगर मैं 10 साल और शामिल कर लूँ, क्योंकि ये मुआहदे 1994 में हुए थे, तो लगभग ये 90 बिलियन डॉलर जो हमारे ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, अगर एक सेक्टर हमने ठीक चलाया होता और जो दो नंबर हेजल ओलेरी के आने के वक्त हमने वायदे किए थे, वो ना किए होते, हमारे ऊपर ये कर्जा ना होता। अच्छा, छोटी सी बात, मैं भी एक ऐड कर लूं। 10 साल से रो रहे हैं पीपल्स पार्टी वायदे गलत कर गई। अच्छा, अब तो ये ईमानदार हुकूमत है ना। हाँ। अब तो दयानतदार हुकूमत है ना। मदीने की रियासत है, आप कहते हैं दो नहीं एक कानून होगा, एक पाकिस्तान, हर ताकतवर और कमजोर के लिए कानून होगा। इस दौर में जो अरबों रुपए के ये फ्रॉड हुए हैं, ये नैब कहाँ है, FIA कहाँ है, क्या खुदा का वास्ता इंतकामी सियासत खत्म कर दे। ये इमरान खान साहब आपकी क्रेडिबिलिटी को नीचे ले जा रहे हैं, जिन गंदे लोगों को आप बचा रहे हैं। अगर चंद गंदे लोग हैं उन्हें सजाएं, सुबह पर्चे दे रहे हैं। आपको पता है PAE का कितना सारा है, 460 अरब रुपया। ये मेरी मां मेरे साथ कर रही है। मैं हमारी स्टील मिल जो है इवन परवेज मुशर्रफ के दौर में प्रॉफिट दे रही थी। मुझे बताए, हमारे वजीर आजम पाकिस्तान करप्शन नवाज शरीफ के दौर में हो, पीपल्स पार्टी के दौर में हो, इमरान खान, डाका आवाम की जेबों पे पड़ता है, पैसे मुझे आपको देने पड़ते हैं, वो बिजली की कीमत के इजाफे में, गैस की कीमत के इजाफे में, पेट्रोल की कीमत के इजाफे में, रोजमर्रा अशिया की कीमत के इजाफे में। किसी ने पूछा इस हुकूमत की कारण क्या है, कहता अंडे 210 रुपये दर्जन। मुझे खदशा है पाकिस्तान में जो सिलेक्टेड इंसाफ हो रहा है, जिस दिन बगैर किसी लीडरलेस जमात के बगैर लोग महंगाई के सताए, गुर्बत के सताए, बेरोजगारी के सताए, जुलम के सताए, वो लोग सड़कों पर आ गए, तो मुझे बताए आपका तो बोला कि इतना आप कैसे बचेंगे। आप कह रहा हूं जिस तरह आप महंगाई कर रहे हैं ना, गैस बिजली कीमतें, कादी साहब उस दिन जिस दिन आम लोग अपने हक के लिए आ गए कि 40 सिक्के मेरी हैं, मुझे तालीम से देना है, इंपॉर्टेंट बात, ये आपके हर ताकतवर अदारे कमजोर पड़ जाएंगे, डरे उस वक्त। अच्छा, यहाँ के अवाम तब्दीली को कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं, आइए जानते हैं कि यहाँ पर तब्दीली आई या फिर नहीं। सब कुछ गिरवी रख दिया, ये करेगा क्या किया, क्या मार दिया, 25 रुपए का घी का घी जाना किलो का, वो 300 का हो गया है, ये इमरान खान ने किया है, वो खुदा के लिए छोड़ दे, महाराज छोड़ दे हमें, वो खुश है, वो कह रहे हैं वो भी महंगी दालें, वो भी महंगी आटा, वो भी महंगा घी, वो भी महंगा। तो तब्दीली को तब्दीली आई है, कोई अस्पताल बने, कोई दवाइयां। अस्तगफारुल्लाह, अस्तगफारुल्लाह, या अल्लाह, कलमा है शहादत, अस्तगफारुल्लाह, अस्तगफारुल्लाह। खाना खराब कर दिया PDE वालों ने, क्या है उनके पास है, जो भी आया महंगाई के थोड़ा कुछ नहीं किया, चीनी के अलावा कुछ नहीं बर्बाद किया। आज जो गोली 5 रुपए की मिलती थी वो 12 रुपए की मिल रही है, क्यों पूछे ने? PTI वाले ठीक नहीं है, नहीं। ये नहीं ठीक है, तो बीमारी चमड़ गया, क्यों ये चोरी करके मांगता है, वो हाथ से मांगते थे। अच्छा, हाँ, तो अभी आप कसूर की आवाम का क्या हाल है, कसूर की आवाम का हाल क्या है? बुरा हाल, बुरा हाल, बुरा हाल, बुरा हाल है, भूखे हैं, भूखे हैं, भूखे हैं। लेकिन इन्होंने तो इतने ख्वाब दिखाए थे, तो ये तो कह रहे थे कि हम IMF के मुंह पे कर्ज पैसे भी मार देंगे, तब्दीली लेके आएंगे, नौकरियां भी देंगे, घर भी देंगे। इन्होंने लोगों के ऊपर घरों घर क्या इन्होंने दिए, इन्होंने लोगों के सर से छत छीन ली, लोगों का रोज़गार ख़त्म हो गया, लोग इस वक्त अपने बच्चों के लिए रोज़गार कमाना उनके लिए मुश्किल हो गया। आवाम सारी नाकों परेशान हो गई है इस हुकूमत से, नाकों परेशान हो गई है इस हुकूमत से, कोई तरक्याती काम, कोई सड़कें वगैरह आप जाके बाहर जाके देख लें, जाके सड़कें सड़कें जोहड़ बनी पड़ी हैं। जब बारिश जब आती है, जब बारिश जब आती है, तो 3-3 दिन तक पानी नहीं खुशक होता, लोग नमाज़ी, किसी किस्म का कोई भी नहीं काम,
कोई तरक्याती काम नहीं। यहाँ पे जो MPA MNA हजरात जो है वो रो रहे हैं इस हुकूमत को। दोस्तों, भारत की डिप्लोमेसी का लोहा तो अब दुनिया मान रही है, और साथ ही साथ पाकिस्तान के मुंह से ये सुनना ये तो और भी अच्छी बात है। जब दुश्मन आपकी काबिलियत का लोहा माने उससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। इससे पता चलता है भारत बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में जा रहा है। जिस तरीके से हमारा मंत्रिमंडल बाहर जाके भारत का प्रतिनिधित्व करता है उससे पता चलता है भारत सही हाथों में है। क्योंकि पाकिस्तान के मुंह से सुनना ये बात, इससे पता चल रहा है कि पाकिस्तान कितना निराश हो चुका है, और अपनी सरकार को कोस रहे हैं लोग कि किस तरीके से हमारी सरकार ने कश्मीर मुद्दे को पूरी दुनिया में ढंग से नहीं उठाया। अब साजिद तरार को ले लीजिए, ये तो अमेरिका में रहते हैं। इन्होंने साफ बता दिया किस तरीके से भारत की डिप्लोमेसी छाई हुई है पूरी दुनिया के अंदर। बड़े से बड़े लोग भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं, बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन में भारत के लोग बैठे हैं, बड़ी बड़ी कंपनी के CEO भारतीय हैं। इससे पता चलता है भारत की डिप्लोमेसी और यहाँ के लोग कितने मेहनती हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, इसीलिए दूसरे देशों में इनकी इज्जत होती है। इससे पता चलता है भारत बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है और आगे भी ऐसा ही चलेगा। जय हिंद। धन्यवाद दोस्तों।